भाभी हैं जिनका हमने बेबी शॉवर अटेंड किया था, उनको हुई है बेबी गर्ल। 6 दिन बाद शादी है, एकदम से शादी फिक्स हुआ। उसके पीछे भी रीज़न है, दिल्ली की शादी थी, बनारस मेरी फैमिली आई, तो बहुत कुछ हो रहा था। और ये दोनों इधर कितने महीनों के बाद मैं यहाँ बैठ के अपनी टी इंजॉय कर रही हूँ। सुबह का व्यू वॉज लाइक अमेजिंग। तब हम सोने जा रहे थे, 5 बजने वाले थे उस टाइम पे, और अपना सारा काम वाम निपटा के मैं और साहिल उस टाइम पर उठे हुए थे, एंड देन वी स्लेप। और उसके बाद हम उठ गए 11:30। साहिल तो इनफैक्ट मुझसे भी पहले उठ जाता है, उसके लिए मुझसे बहुत कम है। दिन में हमें जब भी टाइम मिलता है, जब भी हम फ्री होते हैं तो हम नाप ले लेते हैं, बट देन ठीक है, वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वी बोथ आर सो प्राउड ऑफ आवर सेल्फ बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, लोग आपकी मेहनत नहीं देखते बट आपका सक्सेस ज़रूर देख लेते हैं। बट हाँ, ये भी कहा जाता है कि मेहनत हमेशा सुबह के चलती है। सतीश भैया भी आ गए, तो अभी जा रही नीचे और खाना वाना करते हैं। मम्मी इज़ ऑल्सो आप, पापा इज़ ऑल्सो आप, एंड देन बात करते हैं आपसे। बेडशीट चेंज करने के पहले हम इसको फुल फ्रीडम देते हैं, गंदा कर लो। कैसे हाथ हटाता है अपना, हाथ डालो छपरू। बट जैसे पहले कह रहा ना फोन ऑन करने के पहले, वैसे नहीं खेल रहा, वैसे नहीं खेल रहा। देख देख, अब बुलाएगा तेको। ओह हाँ, ऐसे खेल रहा है ये। गिरेगा सुदान, बहुत किनारे है। बुलाता है साहिल को। अब बस बस, कैसे वो थका ही नहीं। जब तक थकेगा नहीं। ये नहीं थका अभी, नहीं थका अभी गुंडे। एक बच्चा ये, एक बच्चा नीचे अनमुड़ी, दो दो बच्चे हैंडल कर रहा है। शैतान की मस्ती तो नॉनस्टॉप चलते ही रहती है। हाँ, हो गई हूँ रेडी, और सोचा है आज फटाफट 2-3 इम्पोर्टेंट काम है वो निपटा लूँगी। पहला है राशनिंग, तो थोड़ी शाम हो जाए तो मैं और नैन्सी निकलेंगे राशनिंग के लिए, सारा कुछ लेके आ जाएंगे, रिलायंस जाएंगे मैं और नैन्सी, और साहिल के पास टाइम नहीं है बिकॉज उसको भी पूरा काम अपना निपटाना है। तो ये चीज़ हो गई, और अभी बनाने की सोच रही हूँ कड़ी। कड़ी बनाऊँगी, आज बहुत टाइम से सोच रही थी कि बनाओ, तो आज सोचा बनाऊँगी कड़ी। जैसा कि आप जानते हो कि मैं अपनी नंद की शादी जाने वाली हूँ, उसका मेहंदी हल्दी संगीत ये सब तो मिस कर दूंगी। जो भी उसका फंक्शन है वहाँ पे हो रहा है, उसके वीडियोस बना के मेरे को सेंड कर, ताकि वो मैं अपने ब्लॉग में डाल सकूँ फॉर मेमोरी पर्पस। तो अभी मैं वही फुटेज ऐड कर दूंगी जैसे मेरे पास आएगा होपफुली, तो वो ऐड कर दूंगी अपने ब्लॉग में, एंड मेमोरी भी हो जाएगी। और कल मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए।
तो ये है मेरे सिस्टर इन लॉ हेमानी, और अभी इसका फंक्शन शुरू हो चुका है, हल्दी हो गई है और अभी चूड़े की सेरेमनी हो रही है जो कि मामा जी के हाथों होती है। और जो इसके मामा जी हैं वो मेरे इन लॉज हैं, साहिल के मम्मी पापा, तो उनके हाथों ही हो रहा है ये सेरेमनी। और मैंने ये सब कुछ मिस किया, ऑफकोर्स आई वॉज फीलिंग बैड, बट इतने कम टाइम पे सब कुछ मैनेज करना वॉज वेरी टफ। और इसके बाद गडोली के फंक्शन में पूरी फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि साहिल के लिए अच्छी सी पंजाबी तड़के वाली कड़ी बनाऊं, और आज फाइनली बना रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान है, मैं नॉर्मल मसाले, प्याज, टमाटर वो सब हल्का सा सॉटे कर देती हूँ, और एक बाउल में छाछ और थोड़ा सा बेसन, हल्दी, बस इसको डाल के डाइल्यूट कर देती हूँ। हाँ, थोड़ा सॉल्ट भी डाल देती हूँ, एंड बस दैट्स इट। और यहाँ पे घी की सब्जी बना रही है नैन्सू, इसमें इसने मिलाया है घी और आलू भी साथ में, आलू उसका फेवरेट है नंजू का। और यहाँ पे बस तड़का ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, इसमें मैं अब डालूँगी वो बैटर मिक्सचर छाछ और बेसन वाला, और दैट्स इट, बन जाएगी हमारी कड़ी। एंड फाइनली सबको मिक्स कर दिया, और टेक्सचर तो भैया मिक्स करते ही आ गया, बिल्कुल कलर जैसे ढाबे का आता है ना, बिल्कुल। सॉरी मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, बट मैं कड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, जब भी मैंने बनाया है शायद लाइफ में 3-4 बार ही बनाया है, बहुत अच्छी बनाई है, ऐसा साहिल कहता है। देखो ना तो टेक्सचर कितना प्यारा आया ना, काट काट के बनने वाले इस डिश को बोलते हैं कड़ी। और अभी आई ऐड सम वार्म वाटर एज वेल, बिकॉज मेरे को थोड़ा टेक्सचर इसका गाढ़ा लग रहा है, और पानी ऐड कर दिया है और काफ़ी देर तक ये पक भी है, और इसके बाद ये रिजल्ट है। और अभी इसके बनने वाले हैं पकौड़े मैं नहीं बनाऊँगी, मेरे को बिल्कुल नहीं आता पकौड़े बनाना, इसकी एक्सपर्ट है ये हमारी नैन्सी, और नैन्सी बनाएंगी पकौड़े, और मैं बना रही हूँ कड़ी जो कि ऑलमोस्ट बन चुका है, तो मेरी ड्यूटी होगी ऑफ और नैन्सी के भी ऑन है। खा पी के थोड़ी देर आई विल रेस्ट, उसके बाद हमें निकलना है मार्केट, तो थोड़ी देर रेस्ट करना भी ज़रूरी है बिकॉज बहुत हेक्टिक हो रखा है अभी। अनु की गोदी शिफ्ट हो गई है, नैन्सी फर्श है फुआ के पास। अनवी देखो कहाँ पहुँचे, कहाँ पे, ओ स्विमिंग पूल। आप जब साहिल फूफा होंगे ना, तब साहिल फूफा वो करना, फूफा जी मेरे लिए वो ले लीजिए, पूल ले लीजिए, ठीक, ओके स्विमिंग पूल। ओते कौन से कलर का अनु,
पिंक दो कलर उनके के रेड एंड पिंक पिंक कलर का फूल कौन यूज करता है ब्लू करते हैं लोग यूज अनु करके अनु पिंक यूज करेंगे अनु कहाँ पे आ गए पहुंच गए कहाँ पे आ गए हम और पहुंच गए हम वी आर पंजाब मॉल एंड वी गो पुलिस आ गया पुलिस आ गया पहली बार आया वैसे है ना अभी इधर जाना था यार इधर अभी जिस काम के लिए पहले वो काम कर ले अनवी को वहाँ बैठना है जिस काम के लिए पहले वो काम निपटा ले उसके बाद थोड़ा बहुत घुमा दूंगी इसको फिर साहिल लेने आ जाएगा हाँ बैठेंगे ना अनवी को शॉपिंग कर लिया अब दो दी रुक जा नौटंकी और ये बना रहे हैं हम वायरल फ्रेग्रेंस फॉर कॉफी दालचीनी और नारियल का तेल था हाँ शायद नारियल का तेल था अगर खुशबू नहीं आई ना तो फ्लॉप आइडिया स्पेशली इसके नारियल का तेल लेके आई है ढूंढ के हाँ देखते हैं सीसीडी जैसा स्मेल आता है कि नहीं आता फ्रेग्रेंस ऑयल इतना काफी होगा हम्म वो देखो उसको शायद डूबना चाहिए हां है ना तो ही है हम्म मिक्स भी कर दो क्या पहले कैंडल तुम ऊपर रखे वो तो कैंडल ऊपर लगाते हैं ऊपर रूम पे लगाते हैं पहले हां छोटी जगह पे ज्यादा अच्छी खुशबू हम्म राइट अच्छा लगाते हैं ऑल वर्क डन मॉल का काम भी हो गया कि हम जाएंगे तो दो तीन दिन लग जाएंगे चार दिन भी हो सकते हैं तो बेटर है कि यहाँ का सारा कुछ सेट करके जाओ मोमनेट सो गए हैं नानसी भी सोने जा रही है अब बस एक टास्क है अनवी को सुनाना वो बहुत बड़ा टास्क है और जब आप थक जाते हो ना तो उसी वजह से बहुत बड़ा टास्क लगता है जब वो सोती नहीं है बिकॉज वो जल्दी नहीं सोती वो गप्पे मारती है थोड़ी देर कार्टून देखेगी उसके बाद वो सोएगी तो अभी उसको सुनाना नेक्स्ट व्लॉग में हम निकल जाएंगे दिल्ली फॉर श्योर शादी में अपनी नंद की तो ठीक है फिर ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और आप सबके लिए मैं माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस बाय बाय गुड नाइट